नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1.18, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक हमको यूज़ करना है। क्वेश्चन में गिवन है पॉइंट चार्ज 10 माइक्रोकुलम इज द डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर शोन इन फिगर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर अगर हम गॉस लॉ के कॉन्सेप्ट को यूज़ नहीं करते तो हमको इंटीग्रेशन करना पड़ जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा टिपिकल होगा, इसलिए हम यहाँ पर गॉस लॉ यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम इस सरफेस से एक क्यूब डिज़ाइन करेंगे। ओके, तो ये है हमारा सरफेस। ओके, ये है हमारा स्क्वायर और इसके सेंटर से है ना 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर अगर एक चार्ज यहाँ पर क्यू रखा हुआ है तो हम यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस डिज़ाइन करेंगे, गॉसियन सरफेस कंसिडर करेंगे जिसका क्यूबिकल गॉसियन सरफेस, कुछ ऐसा हम क्यूबिकल गॉसियन सरफेस यहाँ पर कंसिडर करेंगे। यह है हमारा क्यूबिकल गॉसियन सरफेस। ओके, ऐसा हमने क्यूबिकल गॉसियन सरफेस कंसिडर किया है और इस क्यूब से टोटल फ्लक्स की अगर हम बात करें, ओके, फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, और चार्ज जो है उसके सिमेट्री पे रखा हुआ है, किस पे रखा हुआ है, सिमेट्री पे रखा हुआ है, तो हर एक फेज से चार्ज जो होगा, अमाउंट ऑफ चार्ज जो फ्लो होगा वो इक्वल होगा। ओके, अगर हम 6 फेजेस की बात करें तो 6 टाइम्स ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू सिंगल फेज इज इक्वल टू फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यूब। ओके, हर एक फेज से इक्वल अमाउंट ऑफ फ्लक्स पास होगा, और कितने फेजेस है, 6 फेजेस है, तो अगर टोटल क्यूब से हमको फ्लक्स पास करना है तो 6 टाइम्स ऑफ सिंगल, क्योंकि सिमेट्रिसिटी, ये तभी हम सॉल्व कर सकते हैं जब इसके सेंटर पे रखा होगा, जब ये इसके सेंटर पे होगा, अगर सेंटर से थोड़ा बहुत भी डिस्प्लेस किया सो यू कैन नॉट डू दिस। सो फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस फेज दैट इज द स्क्वायर, ओके, स्क्वायर दैट इज द स्क्वायर इज इक्वल टू द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब डिवाइडेड बाय 6, और वो कितना है, वो है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, सो अल्टीमेट क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। ओके, और यहाँ पर चार्ज का वैल्यू हमको गिवन है, हम इसे लिखेंगे फ्लक्स पासिंग थ्रू द फेस और द स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू का वैल्यू 10 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 6 और 1 बाय एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हम थोड़ा सा लॉजिकली फाइंड करेंगे। हमको पता है 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹, तो 1 बाय एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हो जाएगा 36 पाई × 10⁻⁹, और वही हम पुट करेंगे यहाँ पर, तो द इंटू 36 पाई × 10⁻⁹, इसे सॉल्व करेंगे तो ये 6 टाइम्स कैंसिल होगा, यहाँ पर हमको मिलेगा 6 पाई × 10⁻⁹ - 6 3 + 1, ओके दैट इज 4, ओके दैट मच न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके, इतना फ्लक्स एक फेज से पास होगा। तो यहाँ पर एक लॉजिक हमने लगाया है, हमने यहाँ पर गॉस लॉ का यूज़ किया, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन।